नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड उसका बाजार के उटिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चौपाल के माध्यम से मन की बात सुनाया गया और सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को बताया कि भाजपा सरकार में ज्यादा विकास कार्य किया जा रहा है और शिक्षा को लेकर सरकार भी सख्त है और गरीब परिवार के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि चूल्हा पर भोजन पका सकेंगे, लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले गरीब परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। लोगों को महीने में फ्री राशन मिल रहा है, फ्री घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी, सभी महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आज का कार्यक्रम तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अवसर था और आज प्रधानमंत्री जिस तरह से इस देश के लोकतांत्रिक देश की जनता ने जिस तरह से लोकतंत्र की, लेकिन आज विश्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत है। एक भारत की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, अपने सोच समझ करके जो जनादेश का निर्णय लेती है आज वो पूरे विश्व के सामने उदाहरण बन रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में 2019 में प्रचंड बहुमत दे करके और आज केंद्र की सत्ता बनाई और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद 2/3 बहुमत से जिस तरह से फिर भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनाई, इससे लोकतंत्र मजबूत है। और जब लोकतंत्र मजबूत हुआ तो आपने देखा कोविड की वैश्विक चुनौती रही है तो 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने वाला कोई देश है तो दुनिया में केवल भारत है। इसकी सराहना WHO ने नरेंद्र मोदी जी की किया कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का प्रबंधन अच्छा किया। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 5 किलो प्रति यूनिट 80 करोड़ लोगों को 2 साल से लगातार मुफ्त खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं, आज यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है पूरे विश्व में खाद्यान्न का संकट, अन्न का संकट, भोजन का संकट बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का संकट बढ़ रहा है, वहाँ आज भी भारत मुफ्त अपने देश के सभी देशवासियों को मुफ्त गल्ला देने का काम कर रहे हैं। और आज जहाँ नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका में 400-500 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल के दाम हो रहे हैं, आज भी हम अपने मूल्यों को नियंत्रित किया है। ये मन की बात में जिस तरह से देश ओलंपिक की बात कही थी, खेलों में पदक के लिए हमारे नौजवान नए नए विधायक कर रहे हैं, स्पेस में स्टार्टअप में जिस तरीके से पूरे कन्याकुमारी कश्मीर के ग्रामीण जालों के इलाकों के लड़के आज नए नए याद कर रहे हैं कि ये अवसर था और इस अवसर पर हम लोग यहाँ आए थे और गाँव वासियों के बीच मन की बात किया। हम यहाँ के एक बूथ पे भाजपा को कम वोट मिला था तो आज हमने ये भी पूछा कि आखिर जब हम सारी योजनाएं चला रहे हैं तो इस बूथ पे कम वोट क्यों मिला है। लोगों ने कहा मेरे साहब हम संतुष्ट हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 उज्ज्वला हो गया इसका चिंता, या सौभाग्य बिजली का कनेक्शन हो प्रधानमंत्री यहाँ कुछ कठिनाई है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर।